जय सीताराम दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला आज आपको यूट्यूब के इस चैनल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने जा रहा हूं, जो भयावर से भयावर धात हो और बहुत दिनों की धात हो, या फिर जिन माताओं बहनों को एमसी के दौरान अधिक पीरियड ब्लड जाता हो उनके लिए भी रामबाण औषधि है। तासीर में ठंडी है, इसको धात रोग में विशेषतः प्रयोग किया जाता है, तो इसको शीशम कहते हैं दोस्तों। ये शीशम की पत्तियां हैं, इनको जो है तो आप आठ से नौ पत्तियों को ले जाकर बड़े सवेरे सवेरे पीस कर दूध और मिश्री के साथ सेवन कराएं। किसी भी प्रकार की धात हो, किसी भी प्रकार का प्रमेह हो, तो उसको ठीक करने की क्षमता रखती है ये पत्तियां। साथ में विष परहेज, तेल मिर्चा खटाई वगैरह ये सब का परहेज रखते हुए इनका सेवन किया जाए तो किसी भी प्रकार की धात हो वो ख़त्म हो सकती है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाएं, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे रोगों के लिए विशेष जड़ी बूटियों का चयन कर आप तक इस तरह के वीडियो पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों धन्यवाद।